Hello everyone, my name is Srushti Jayant Deshmukh and I have secured rank 5 in UPSC CSE 2018. UPSC एग्जाम के लिए अगर स्पेशली आप प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ दो तीन मैं आपको बातें बताना चाहूँगी. करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पेपर 2 और पेपर 3 जैसे GS 2 और 3 है ऐसा जो पेपर्स रहते हैं वहाँ पे जो है आपको करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. कोई एक न्यूज़पेपर आप पकड़ लीजिए हिंदी या जो मीडियम में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके और बराबर उसके थोड़े नोट्स निकालते रहिए. अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स आई विल से रेफर टू द प्रीवियस ईयर UPSC क्वेश्चन पेपर्स. दोज आर रियली इम्पॉर्टेंट, दे गिव यू योर डायरेक्शन. तो UPSC सिलेबस को अपने टेबल पे रखिए, UPSC पेपर्स को प्रिंट करवा लीजिए और जानते रहिए कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं. सो कमिंग टू द एग्ज़ाम, I'd like to start by first telling you about the organization of notes. Now, I feel that the syllabus which we have got, the UPSC syllabus, is our guiding light. It will tell you at every step ki aapko kya important hai aur kya nahi hai. Isliye ek UPSC syllabus ki copy maine apne study table par hamesha rakhi. Uske saath organization of notes ek dusra point hai jis pe aapko sabse zyada kaam karne ki zarurat hai. Kyunki maine bhi yahi kiya. अपने नोट्स को मैंने अपने सिलेबस को अलग अलग टॉपिक्स में हम डिवाइड जैसे कर लेते हैं वैसे डिवाइड किया और हर टॉपिक को मैंने एक अलग फोल्डर बनाया. तो उससे रिलेटेड जो भी मुझे एडिटोरियल कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं इंटरनेट पे ऑनलाइन मैंने उसके बारे में पढ़ा तो वो सारा मटेरियल मैंने उस एक फोल्डर में डाल दिया. उससे ये हुआ कि जब मैंने रिविजन करने की कोशिश की तो आई फाउंड एवरीथिंग एट वन प्लेस. तो एक ये चीज़ है कि अपने नोट्स को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करें. आज जब अच्छी रैंक स्कोर किया UPSC में तो जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे. बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए जब लगा कि आई वोंट बी एबल टू मेक इट. तो उस टाइम पे इंस्पिरेशन का सहारा लिया, मोटिवेट हुई, कुछ फैक्ट्स पढ़ती रहती थी कि ऐसा हो रहा है या कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट है तो लगता था कि हाउ कैन आई हेल्प देयर, हाउ कैन आई यूटिलाइज माई नॉलेज एंड लर्निंग कैपेसिटी टू रीच टू अ पोजिशन जहाँ पे बहुत सारे लोगों तक रीच कर सकूँ. तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. थोड़ा सा अगर ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताऊँ तो कहूँगी सैक्रिफाइसेस तो छोटे छोटे करने पड़े. फ्रेंड्स से नहीं मिल पाती थी और ज़्यादा इधर उधर सोशल गैदरिंग्स भी नहीं जा पाती थी तो उस वक्त बहुत बुरा लगता था, गिल्ट सी आती थी. लेकिन अगर कोई और प्रिपेयर कर रहा है उसको यही कहूँगी कि उस टाइम पे लगेगा बट आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और एक टाइम आएगा जब आप अच्छा करेंगे.